जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सबका फिर से स्वागत है आप लोगों के फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवम ऑफ में। दोस्तों आपका भाई दीपक आपके लिए लेके आ गया है बहुत ही शानदार सी लग्जरी सी 3 BHK की प्रॉपर्टी। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है मात्र 500 मीटर की दूरी है नवादा मेट्रो से। प्राइम लोकेशन के अंदर दोस्तों ये प्रॉपर्टी आती है। एमिनिटीज की बात करो तो लिफ्ट और कार पार्किंग फैसिलिटी आपको अंदर मिल जाएगी। बहुत ही स्पेशल ये फ्लैट होने वाला है, 3 BHK का फ्लैट होगा। दोस्तों 80 से 85% तक इसमें लोन फैसिलिटी आपको मिल जाती है। दोस्तों देरी न करते पूरा आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। फ्लैट दिखाने पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों इस बिल्डिंग में मेरे पास 2 3 BHK एक 2 BHK का फ्लैट है। दोस्तों आज आपको फ्लैट में दिखाने वाला हूँ, ये 3 BHK का बैक साइड का फ्लैट है बट इसकी खास बात यह कि 30 के फ्रंट में बना हुआ है। इसमें 30 के फ्रंट में आपको फ्रंट में दो फ्लैट मिल जाते हैं और ये वाला फ्लैट जो है 30 के फ्रंट में 30 फुट के फ्रंट में खाली एक फ्लैट मिलता है 3 BHK का। तो इसका जो स्पेस है काफी स्पेशियस आपको मिल रहा है इस वजह से। दोस्तों चलिए पूरा फ्लैट दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों आ चुका हूँ अपनी बिल्डिंग में। अभी आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ अपने स्टेयर्स एरिया में खड़ा हूँ। ये इसका स्टेयर्स एरिया, इसके सामने की आप देख सकते हैं सामने आपको मिल जाता है लिफ्ट का प्रोविजन। यहाँ पे आपको लिफ्ट इंस्टॉल करके देंगे। फ्रंट में इसमें 3 BHK का फ्लैट है, इसके साथ में 2 BHK का फ्लैट है। इसका जो फ्रंट रोड है वो भी मैं आपको एंड में आपको दिखा दूंगा। आज जो फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ इसका सबसे बढ़िया फ्लैट मुझे बैक साइड का लगा क्योंकि इसका नक्शा जो है बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों स्वागत है आपका शानदार से जानदार से ड्राइंग रूम के अंदर। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। एल टाइप का पूरा सोफा लगा है, दो परफेक्ट लगे हैं, टेबल लगा है, तब भी आपको काफी स्पेस दिख रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों सामने की वॉल पे जो हमने काम किया है, एक यूनिक काम किया है, एक नया डिजाइन के साथ काम किया है। ये देखिए दोस्तों ये वॉलपेपर नहीं है, ये PVC पैनल के साथ एक बढ़िया सा काम किया है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं डिजाइन इसका जो है काफी यूनिक है। वॉलपेपर का डिजाइन अब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है तो आपको नया कुछ करके देते हैं, हमेशा नया कुछ लाने की सोचते हैं। इस फ्लैट के अंदर आप देख सकते हैं वॉलपेपर बहुत ही प्यारा सा काम किया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको दिखाता हूँ हमारी फॉल सीलिंग। आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग कर रखी है, दो फैन लगा रखे, बीच में झूमर लगा रखा है जो इसकी लुक को काफी बढ़ा रहे हैं। फॉल सीलिंग के डिजाइन की लुक को काफी बढ़ा रहे हैं दोस्तों, काफी यूनिक लग रहा है देखने में। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों हमारा LCD पैनल। आप देखेंगे दोस्तों LCD पैनल इतना किसी फ्लैट में आपको नहीं मिलता, बहुत ही बड़ा आपको LCD पैनल दे रहे हैं इसके अंदर। आप चाहो तो लगभग 65 इंच का TV इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे पूरा आपको ड्रॉस बना के दे रहे हैं, यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, नीचे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा ड्राइंग रूम। अब आपको ले चलता हूँ दोस्तों हमारे मेन चीज, मेन जो लोगों की लेडीज की डिमांड होती है किचन दिखाओ, सबसे पहले आप किचन की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं किचन का स्पेस जो है काफी प्यारा, काफी बड़ा आपको किचन का स्पेस मिल जाता है। पूरी यू शेप में किचन मिल जाती है दोस्तों, ऊपर और नीचे बढ़िया सा सनमाइका का वर्क किया हुआ है, वुडन का वर्क किया हुआ है। ये देख रहे ऊपर तक आपको वुडन का वर्क मिल जाता है, पूरा मॉडुलर किचन मिल जाता है। चिमनी हम लोग आपको पहले से इंस्टॉल करवा के दे रहे हैं, चिमनी आपको लगी लगाई मिलेगी, आपको कोई भी ये दिक्कत नहीं रहेगी कि चिमनी नहीं है, वेंटिलेशन की कोई कमी है। आपको चिमनी हम लोग पहले से लगा के देंगे ताकि आप आए और सीधे अपना गैस लगा के अपना खाना बनाना स्टार्ट करें, कुकिंग करना स्टार्ट करें। अब दोस्तों दिखाता हूं इसमें एक खास बात और जिसमें आपको मिल जाती है पैंट्री के अंदर आपका बहुत सारा सामान आ जाता है, किचन के बहुत सारे आइटम आ जाते हैं, काफी स्पेसिस आपको इसमें पैंट्री मिल जाती है। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ किचन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रिज का स्पेस, जहाँ पे आपका बड़ा फ्रिज आराम से स्टोर हो जाएगा, काफी स्पेस दे रखा है यहाँ पे फ्रिज के लिए। अब दोस्तों आपको एक खास चीज दिखाता हूँ, आप किचन के अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक टेम्पल बना हुआ, यहाँ पे अपना पूजा पाठ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वुडन के साथ आपको एक पूरा टेम्पल बना के हम लोग दे रहे हैं, काफी स्पेसिस आपको ये टेम्पल मिल जाता है। आप देख सकते हैं पूरा बड़ा सा आपको ये टेम्पल मिल जाता है। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम। दोस्तों ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, इसमें पूरा टाइल का वर्क हो रखा है, सैनिटरी वर्क अभी पेंडिंग है, जब आप लोग इसमें शिफ्ट होने लगेंगे तब आप हम करा के दे देंगे। दोस्तों इस फ्लैट की खास बात ये है, मेरे दोनों फ्लैटों में से इसमें खास बात ये है, इस वाले फ्लैट में प्लस पॉइंट ये है इसके जो दोनों रूम है वो फ्रंट में आ रहे हैं, दोनों घुसते ही आपके दोनों रूम आपके फ्रंट में आ जाएंगे। अब ले चलता हूँ दोस्तों अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं बेड रखने के बाद भी काफी स्पेस मिल जाता है आपको। दोस्तों सामने की वॉल पे आप देखेंगे तो आपको प्यारा सा 3D वॉलपेपर मिल जाता है, वॉलपेपर हम लोग इसमें आपको बढ़िया सा एक स्टोर करके दे रहे हैं।
साथ ही साथ स्पेस की जैसे पहले ही बता चुका हूँ आपको, बेड रखने के बाद भी काफी स्पेसियस रूम है दोस्तों। अब सामने की ओर पे आप देखेंगे तो आपको बड़ी सी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, पूरा आपको ये विंडो बना के हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो बड़ा अपना विंडो ऐसे भी इंस्टॉल करा सकते हो, 1.5-2 रन का आराम से विंडो ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस रूम से अटैच आपको मिल जाती है बालकनी। दोस्तों ये इसका बालकनी है जो इसमें रूम से आपको अटैच मिल रही है। साथ ही साथ हमारे को ये दूसरे रूम से भी अटैच बालकनी मिल रही है, इसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उस रूम से निकल के आएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको। इस रूम में और चीज दिखा देता हूँ, इस रूम में दोस्तों आपको मिल जाता है वॉलपेपर के सामने की ओर अपोजिट साइड आपको मिल जाता है बड़ा सा LCD पैनल, जहाँ आप चाहो लगभग 40-45 का टीवी आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल जाती है वुडन की अलमीरा, काफी स्पेसियस दोस्तों आपको अलमीरा मिल रही है, ऊपर तक वुडन का वर्क हो रखा है इसके अंदर, डबल डोर के साथ आपको ये अलमीरा मिल जाती है। इसके ठीक साथ में आपको मिल जाता है एक ड्रेसिंग एरिया, एक अपना शोपीस रखने के लिए, आपको आइटम रखने के लिए सामान रखने की जगह मिल जाती है, नीचे ड्रॉअर मिल जाते हैं। दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट बेडरूम, अब आपको ले जाना चाहूंगा अपने सेकंड बेडरूम की ओर। सेकंड बेडरूम में दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की ओर पे सबसे पहले आप नजर डालिए, इसके अंदर कुछ अलग वर्क किया है कुशन के साथ। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वर्क हो रखा है वॉल के ऊपर काफी यूनिक है। ये देखिए दोस्तों इसका जो लुक है, इसका जो लुक है काफी प्रीमियम फील दे रहा है, काफी लग्जरी फील दे रहा है। इस रूम की जो लुक्स है इसको बढ़ा रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं बहुत ही लग्जरी सा आपको एक फील देगा। अब दोस्तों अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन। इस रूम के अंदर आप देख सकते हैं ये आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है, काफी लग्जरी सा आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल रहा है। इसमें भी आपको बेड रखने के बाद काफी स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ सामने की वॉल पे आप देखेंगे तो पूरी वॉल को कवर करके आपको बड़ी अलमीरा दे रहे हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों डबल डोर के साथ काफी स्पेसेस आपको बड़ी अलमीरा मिल रही है। ये अभी मैंने आपको खोली है, ओपन करी है, अभी एक अलमीरा है। अब सेकंड अलमीरा आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके ठीक साथ में आपको मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल हम लोग आपको इसके साथ में बना के दे रहे हैं, पूरा आपको नीचे तक इसमें वुड वर्क मिल जाता है, पूरा ड्रॉअर सिस्टम मिल जाते हैं। दोस्तों ये था मेरा सेकंड बेडरूम, अब ले जाना चाहूंगा अपने थर्ड बेडरूम में, लास्ट बेडरूम में। दोस्तों ये है हमारा थर्ड बेडरूम, लास्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम। दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर बेडरूम में। दोस्तों आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हर रूम के अंदर बढ़िया वर्क आपको करके दे रहे हैं, LCD पैनल बना के दे रहे हैं, पूरा वुडन का वर्क पूरा बढ़िया से आपको करके दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे मजेदार हम बढ़िया बढ़िया फ्लैट लेके आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें चैनल को हमारे। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ अपना मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर आप लोग देख सकते हैं सामने की वॉल पे आप देख सकते हैं कुशन के साथ इसमें बढ़िया सा काम कर रखा है, और वो एल शेप में आपको इसमें मिल जाती है अलमीरा, दोनों तरफ आपको अलमीरा बना के दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों इधर भी और उस तरफ भी आपको एक वुडन की अलमीरा मिल जाती है दोनों तरफ, बीच में भी आपको अलमीरा बना के दे रहे हैं, वुडन का वर्क करके दे रहे हैं पूरा। साथ ही साथ अब आपको दिखाना चाहूंगा हमारे फॉल सीलिंग का डिजाइन। दोस्तों इस रूम का जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है काफी बढ़िया है, काफी यूनिक है, आप देख सकते हैं काफी हैवी डिजाइन हम लोग आपको इसमें करा के दे रहे हैं, काफी बढ़िया सा आपको इसमें डिजाइन मिल जाता है फॉल सीलिंग का। अब ठीक अपोजिट साइड आपको दिखाना चाहूंगा हमारे बेड के अपोजिट साइड आप देखेंगे तो इस रूम के अंदर भी आपको मिल जाता है एक LCD पैनल, जहाँ आप लगभग 40 इंच का टीवी आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस रूम के स्पेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बेड रखने के बाद अलमीरा लगने के बाद भी काफी स्पेसियस आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। दोस्तों 85 गज का एक फ्लैट है लेकिन लग रहा है बिल्कुल 90-95 गज का, बहुत ही स्पेस आपको इसमें मिल रहा है। दोस्तों 85 गज का एक फ्लैट है बट देखने में काफी बड़ा लग रहा है। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसके बाद आपका इसके बाद आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं ऊपर तक टाइल का वर्क हो रखा है, सैनिटरी वर्क आप लोग जानते हैं पेंडिंग है, जब लोग आप लोग परचेज कर लेते हैं शिफ्ट करने लगते हैं तब मैं आपको करा के देता हूँ। इसके ठीक साथ में आपको मिल जाती है पूरी विंडो, यहाँ पे आपको विंडो ऐसे इंस्टॉल कराने का जगह मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, ये पूरा आपको पीछे हट करके यहाँ पे आपको विंडो ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। अब दोस्तों अब ले चलता हूँ अपने सेकंड बेडरूम से, मास्टर बेडरूम से ही बालकनी की ओर। दोस्तों इस रूम से भी आपको बालकनी मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे दो रूम से बालकनी मिल रही है। यहाँ पे आपको टैप का प्रोविजन मिल जाएगा, या आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, काफी स्पेशियस बालकनी है दोस्तों, मास्टर बेडरूम से भी और दूसरे बेडरूम से भी अटैच है। तो दोस्तों ये था मेरा प्यारा सा लग्जरी सा 3 BHK फ्लैट।
इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, छोटी से छोटी क्वेरी जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।